फर्जी खबरों व अफवाहों पर लगा विराम। श्रावस्ती जिले में दो दिन से अफवाह फैल गई कि इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा का टिकट कट गया है, जबकि सपा से टिकट मिलने के बाद राम शिरोमणि वर्मा अपना नामांकन भी करा चुके हैं। पर यह अफवाह हर चौक चौराहों पर आम हो गई कि चाय, यहां तक कि चाय की दुकान पर भी चर्चा का विषय बनी रही, जिसको देखिए यही बात करता नजर आ रहा था। किसी ने कहा खबरों में चल रहा है टिकट कटने की बात। इस बात को लेकर सारा दिन अटकलों का बाजार गर्म रहा। किसी ने कहा श्रावस्ती से धीरू सिंह को टिकट दिया गया, उनका काट दिया गया। इस खबर को लेकर सपा के समर्थक भी काफी परेशान रहे। अब क्या होगा? खैर, किसी प्रकार लोगों की रात बीती, सुबह हुई। कुछ समय बाद स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। सपा के जिला अध्यक्ष सर्वजीत यादव ने पुष्टि करते हुए बताया कि पार्टी मुखिया ने राम शिरोमणि वर्मा पर ही भरोसा जताया है, किसी दूसरे को टिकट नहीं दिया गया। जिला अध्यक्ष के पुष्टि करने के बाद से सभी फेक न्यूज व अफवाहों पर विराम लग गया। वही पुष्टि हो जाने के बाद सपा के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।